भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अनंत महाप्रभु बाबा राघव दास चंद्रदेव शरण जी महाराज के इस पावन साधना भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ग्राम पैना के शहीदों की और जौहर की इस पावन धरा को नमन करते हुए बरहज के आप सभी बांसगांव संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कमलेश पासवान जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक रुद्रपुर श्री जयप्रकाश निषाद जी, विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक बरहज श्री दीपक मिश्रा जी, विधायक बांसगांव श्री बिमलेश पासवान जी, एमएलसी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, एमएलसी श्री रतनपाल सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी और हमारे बहुत बड़े नेता बंधु उपेंद्र सिंह जी, उनके ही सानिध्य में काम करने वाले कार्यकर्ता कामेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित बरहज क्षेत्र के हमारे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी के बाद आपका जो उत्साह है ये हम सबको आनंदित करता है, आह्लादित करता है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जो उत्साह मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, यही उत्साह भी मैं पथरदेवा देवरिया से आ रहा हूं वहां पर, इससे पहले मैं कुशीनगर में था वहां पर, इससे पहले महाराजगंज में था वहां पर, और कल मैं उड़ीसा में था, फिर बिहार आया वहां पर। देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जहां कहीं जाता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप असम से लेकर के कच्छ गुजरात तक, चारों ओर यही उत्साह है, यही उमंग है कि नए और विकसित भारत के निर्माण के लिए फिर एक बार और अब की बार जब 400 पार की बात बहन और भाइयों हम कहते हैं ना, आपके मुंह से जब ये निकलता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को चक्कर आने लगता है। उनकी हालत जलेबी जैसी हो जाती है, और इसलिए हो जाती है क्योंकि ये दोनों भी मिलकर के 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको ये लगता है 400 कैसे आएगा, तो जनता जनार्दन से एक ही आवाज आती है, और आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, वो कहते हैं क्यों, तो जनता ही ये जवाब दे देती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और दिल्ली के सिंहासन की जब बात आती है तो बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत को बनाने वाले लोग, भारत के विकास के बारे में सोचने वाले लोग, भारत के सम्मान के बारे में सोचने वाले, भारत की सुरक्षा की चिंता करने वाले,
आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या करने वाले, आपकी आस्था का सम्मान करने वाले, आपको विकास और गरीब कल्याणकारी योजना से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करने वाले, दूसरी ओर आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान का राग अलापने वाले वे लोग हैं जिन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं। एक ही ध्येय है कि विकास में कैसे बाधा बनी जाए, एक ही उद्देश्य है कैसे हम भारत को फिर कमजोर कर सकें, कैसे आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सके। बहनों और भाइयों, अगर मैं कहूं कि चुनाव राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में वर्तमान में जा चुका है, 5 चरणों ने बात साबित कर दी है कि राम भक्त एक ओर हैं और राम द्रोही दूसरी ओर हैं। अब मुझे आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अयोध्या का दर्शन किया? मैं दीपक मिश्रा जी से कहूंगा और कमलेश पासवान जी से भी कहूंगा और इनके साथ श्री बंदोपेंद्र सिंह से भी कहूंगा कि ये लोग चुनाव के बाद एक बार सभी को अयोध्या में रामलला के दर्शन फिर से करवा के लेके आए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, आपको लगेगा कि प्रभु राम के समय की अयोध्या साक्षात आ गई है, प्रभु की कृपा साक्षात बरस रही है अयोध्या पे। क्या सुंदर घाट है, क्या चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 821 एकड़ में बना है, और अगर आप जाएंगे यात्री विश्रामालय भी हैं, वहां पर पार्किंग स्थल भी है, वहां पर खाने की व्यवस्था भी है, वहां पर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अयोध्या में। और अयोध्या में जो चहल पहल है ना, कल 3 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन किया इतनी गर्मी के बाद भी। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बना है और 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, क्या ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर पाती क्या? क्या कर पाती क्या? अब रामलला का मंदिर बन गया है, पुण्य का भागीदार कौन बनेगा? अरे आप बनेंगे आप, क्योंकि ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को ताकत तो आपने दी है ना। कमल चुनाव चिन्ह पर जब आप वोट दबाते हैं, यही हमारी ताकत है, और इसलिए आपके लिए तो कहने के लिए है। क्या कहने के लिए है? अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह सकते हैं, राम मंदिर हमने बनाया। बोलो, दावे के साथ कहो, आप में से हर वह व्यक्ति जिसने कमल चुनाव चिन्ह दबाया है वह कहे कि राम मंदिर हमने बनाया है। और लोग को ये बोलने की, और परलोक में पूर्वजों के पास जाएंगे तो उनको भी कहने के कि आपके संकल्प की पूर्ति हमने किया है, आशीर्वाद दीजिए। प्रभु की भी कृपा मिलेगी और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। याद करिए, कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे, सुबह अखबार खोलते ही पहली खबर भ्रष्टाचार की, और सायंकाल होते होते आतंकवाद की एक नई घटना सामने आ जाती थी। आपने पिछले 10 वर्ष में आतंकी वारदात की कोई घटना सुनी? कोई घटना नहीं, नक्सलवाद नहीं, सब समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। आपको मजबूत हिंदुस्तान चाहिए या कमजोर हिंदुस्तान चाहिए? मजबूत हिंदुस्तान चाहिए हमें, मजबूत हिंदुस्तान चाहिए। और मजबूत हिंदुस्तान के लिए
मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार के लिए मोदी जी चाहिए। ठीक, ये विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं ना, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन के 6 लेन के 12 लेन के, रेल की अत्याधुनिक सुविधा, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में, आज जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज देवरिया में बन गया है, एम्स गोरखपुर में बन गया है, ये पुल जो जगह जगह बन रहे हैं, घाटों का निर्माण हो रहा है, बाढ़ नियंत्रण के कार्य हो रहे हैं, चारों ओर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और गरीबों के लिए, ये कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और आज 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में एक एक उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार जब बनेगी ना, तो मोदी सरकार बनने के साथ 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, कामेश्वर जी आपकी उम्र क्या हो गई, 70 या 71? 56 ही है। लेकिन 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा फ्री में मिलेगी। जितने गरीब हैं बचे हुए, जिनके पास कच्चा मकान है या जिसके पास मकान नहीं है, झोपड़ी है, उन सबको एक एक मकान भी मिलेगा, ये भी आप बता दीजिए, मेरी तरफ से घोषणा भी कर देना। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गरीब कल्याण, आस्था का सम्मान हो रहा है, पुण्य का भागीदार आपको बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, ये सब रामद्रोही है। एक कहता है, कांग्रेस का एक नेता कहता है, राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का एक नेता कहता है कि राम मंदिर बेकार बना है। अरे हमने कहा, बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। लाखों लोग अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। राम मंदिर नहीं बेकार है, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा विवेक भ्रष्ट हो गया है, इसलिए तुम्हें भारत और भारतीयता बेकार दिखाई देती है। बहन और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, और राम द्रोहियों का, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने वाले लोग हैं। क्या आप इनको वोट देंगे? क्या इनको वोट देके पाप करेंगे क्या? जब ये चारों खाने चित्त हो चुके हैं, अब ये षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं कि भाजपा आएगी तो कह रहे हैं संविधान बदल देगी। अरे संविधान का इससे बड़ा सम्मान, मोदी जी से ज्यादा सम्मान करने वाला कौन है? मोदी जी ने नई संसद में संविधान को अपने सिर में रख करके स्थापित किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने स्थापित किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया कांग्रेस ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश की संसद में जाने से रोका कांग्रेस ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न न मिले, यह साजिश की थी कांग्रेस ने, और भारत रत्न तब मिला जब भाजपा केंद्र की सरकार को समर्थन कर रही थी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे तो मिलकर के लूटेंगे, सत्ता में आएंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगा के उसको मुसलमानों को देंगे। इन्होंने किया है, कर्नाटक में किया है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने किया है, और यूपीए की सरकार थी
तब जस्टिस रंगनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर की जो कमेटी बनी थी, इन दोनों कमेटी ने अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को केवल मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस का गठबंधन कर रहा है। दूसरा, ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप क्या है? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी। उनका मतलब यह है कि बुर्का पहन करके घर में रहें। अरे हमारे यहां हिंदुओं में क्यों बुर्का पहन करके कोई रहेगा घर में? ये कांग्रेसियों का दिमाग क्या हो गया है? ये फिर गया है लगता दिमाग। कहते हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से नहीं चलेगा। हम भारत का तालिबानीकरण नहीं होने देंगे। और तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी बात इनका मैनिफेस्टो कहता है कि आएंगे सत्ता में आएंगे अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन की सुविधा देंगे। बहनों और भाइयों, अल्पसंख्यकों का कौन सा रुचि का भोजन है? अरे जो बहुसंख्यक का होगा वही तो भी खाएंगे, रोटी दाल चावल या फिर सब्जी और भी जो खाने, जो बहुसंख्यक खाता वही वो भी खाएगा। लेकिन एक जगह में ठहराव होता है। जब कोई मुसलमान कहता कि मैं गौमांस खाऊंगा गौ हत्या करूंगा, तो हिंदू कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, अगर कोई गाय काटता है तो वहां दंगा हो जाता, हिंदू भड़क उठता है। लेकिन एक कांग्रेस कह रही हम गौ कसी की स्वतंत्रता देंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे जो राम मंदिर का पुण्य प्राप्त हो रहा है, ये गौ कसी की गौ कसी करने पर गौ हत्या करने पर पाप में बदल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहकावे में मत आना। ये पहले देश को बांटे हैं, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटे हैं, अब जाति के नाम पर बांटने के लिए आ गए हैं। जाति के नाम पर बांटेंगे फिर आपके आरक्षण में सेंध लगाएंगे, ये कतई मत होने देना। और मैं इसीलिए आया हूं, जो देश की आवाज है, अब की बार 400 पार में बांस गांव भी है ना, है ना? तो दोनों हाथ लगा के मुझे बताओ, 400 पार में बांस गांव है ना? बांस गांव से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे कमलेश पासवान को? लेकिन चुनाव जीतना तो है ही, लेकिन चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतना है। जिताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे, करेंगे? 7 दिन आपके लिए बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आप में से जितने मतदाता यहां पर हैं, जितने लोग यहां पर हैं, उनमें से कितने लोग 7 दिन पार्टी और देश के लिए देना चाहते हैं बताओ? चलो हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, देंगे आप? प्रतिदिन 2 घंटे का समय दीजिए, 5 घर में जाइए, प्रतिदिन 5 घर में, और 5 घर में जाकर के जितने मतदाता हैं उनसे बोलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की सरकार बने, जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण किया जा सके, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलेंगे? बोलेंगे। 7 दिन का मतलब 35 घर, हर आप में से हर व्यक्ति 35 घरों में जाएंगे 7 दिनों में। कितने लोग जाएंगे भाई? मेरे सामने बोल रहे हो, जाएंगे ना? और फिर उन 35 घरों के सभी मतदाताओं को, लगभग 100 से लेकर 125 तक मतदाता होंगे, 1 जून को सबको मतदान केंद्र में ले जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना है। करा देंगे? कराएंगे? कराएंगे? दोनों हाथ पा करके जहां तक मेरी आवाज जा रही है आश्वस्त करके मुझे बताओ। अरे ये तो संतों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, जौहर की भूमि है। जौहर का नाम केवल 2 जगह में सुनने को मिलता है, एक चित्तौड़गढ़ में और दूसरा पैना में।
देश के अंदर कैसे अपने आप को समर्पित किया जाता, पैना उसका एक उदाहरण है आजादी के आंदोलन का। और इसलिए बहनों और भाइयों, उस धारा के अनुसार आपकी आवाज भी होनी चाहिए और आपका समर्थन भी होना चाहिए। होगा होगा तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।